इस बात से आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इस साल फिल्म इंडस्ट्री में बुरी तरह उथल पुथल मची हुई है। वजह है 6 महीने से थिएटर्स का बंद होना। इसके चलते लाखों लोगों की इनकम ऑफ सोर्सेस पर भी बुरा असर हुआ है। तालाबंदी के कारण सिनेमा घरों के स्टाफ के साथ साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बुरा हाल हो चुका है। हालांकि अब चर्चा है कि सितंबर से सिनेमा घर खुल सकते हैं, तो जिससे कि ट्रेड एक्सपर्ट्स 6 महीने के हुए नुकसानों पर जोरों से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सुशांत मामले की वजह से ज्यादातर बड़े बैनर्स की मूवी जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन वगैरह वगैरह संकट पर पहले ही है। ऐसे में सबकी नजरें इंडस्ट्री के सबसे टॉप एक्टर और फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाने वाले अक्षय कुमार पर है। और फिलहाल अक्षय की जो 2 बड़ी मूवीज रिलीज के दरवाजे पर तैयार खड़ी हैं। जी हाँ, बात हो रही है हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब और अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी की। क्योंकि देखा जाए तो इन्हीं बड़ी मूवीज पर फिलहाल सभी की निगाहें टिकी है। हालांकि अभी अनलॉक 4 में थिएटर्स के खुलने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फाइनली खुलेंगे या नहीं ये देखना बाकी है। ऐसा इसलिए भी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि पिछले साल का अगर अक्षय का ग्राफ देखे तो उनकी हर फिल्म 200 करोड़ के पार का बिजनेस दर्ज करवा कर ही गई है और इस साल भी इससे ज्यादा का बिजनेस कर जाती अगर लॉकडाउन और कोरोना ना आता। ऐसे में जैसे तैसे अब मूवीज रिलीज होने को तैयार है, तो इन्हीं 2 मूवीज पर अक्षय के नुकसान की भरपाई का सारा दार मुद्दा टिका है। वैसे आपको बता दें कि 6 महीनों में 40 से 50 फिल्में रिलीज होती अगर लॉकडाउन ना होता। इनमें अगर अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं के हिंदी वर्जन भी शामिल कर लिए जाए तो ये आंकड़ा 70 से 80% तक पहुँचता है, जिसके चलते कम से कम 1500 करोड़ का भारी नुकसान इन 6 महीनों में हो चुका है। अब अक्षय अपने हुए इस नुकसान की भरपाई किस तरह कर पाते हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तो आपको क्या लगता है इस पर, दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।